हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? मैं हूं हिना जबीन और वेलकम करती हूं आपको अपने चैनल पे। आज की वीडियो जो है वो मैं लेकर आई हूं आपके सामने अपने इस ड्रेस के हवाले से। मैं अपने इस ड्रेस के हवाले से आपसे बातचीत करने जा रही हूं। ये ड्रेस जो है ये मैंने अपने इस ड्रेस के बारे में बातचीत करने से पहले सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए और नोटिफिकेशन का बटन ऑन कर लीजिए ताकि मेरे सारे आने वाले वीडियोस जो मैं सबसे पहले आप देख सकें। और चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो जो है वो मेरे इस ड्रेस के हवाले से है। जी हाँ, ये ड्रेस जो है वो मैंने खुद डिज़ाइन किया, खुद इसको सिलाई किया है, खुद ही इसकी कटिंग की है। तो सारा ड्रेस जो है मुकम्मल वो मैंने खुद बनाया है। ठीक है, इस ड्रेस की सबसे पहले बातचीत करते हैं बाजुओं के बारे में। तो ये मैंने बाजू जो है ये यहाँ पे इस तरह से डिज़ाइन बनाया है और कफ की तरह से मैंने ये बाजुओं पर भी डिज़ाइन बनाया है। ठीक है, ये मैंने सेपरेट कपड़ा जो है यहाँ पर लगा दिया था, तो इस तरह से ये बाजू भी लॉन्ग बन गए और नाइस लगी मुझे यहाँ पे। ठीक है, फिटिंग भी मैंने खुद ही की इसकी। फिटिंग मुझे फिटिंग वाले बाजू अच्छे लगते हैं, मुझे वो खुले खुले बाजू जो होते हैं वो नहीं अच्छे लगते हैं। तो इसके अलावा जी हाँ, इसका जो घेरा है पता नहीं आपको नज़र नहीं आएगा ना, ठीक है ऐसे दिखाती हूँ, ये घेरा है इसका। ठीक है, तो ये घेरा है इसका, ये मैंने घेरा ऐसे बनाया है कि इसकी जो ये तो था ना घेरे वाला पीस, ये बच गया था, ये बाजुओं पे लगाने वाला था फ्रंट पे। ठीक है, मुझे बाजुओं पे नहीं लगाना था तो मैंने सोचा कि बाजुओं पे ये इनफ है, टू मच फिर हो जाएगा, तो मैंने इसको उठाया, उठा के फिर इसको मैंने अपने घेरे पे कमीज पे लगा दिया। ठीक है, तो ये हमारा कमीज जो है वो मुकम्मल इस तरह से हुआ। फिर ये गला था तो मैंने गला लिया और गले को खुद ही सिलाई लगाई। तो गला बनाने के बाद फिर मैंने ये कॉलर आपको दिखाऊं, कॉलर देखें, ये खुद मैंने कॉलर भी इसका खुद ही डिज़ाइन किया, खुद ही कटिंग की इसकी, तो कॉलर भी खुद लगाया है मैंने, ये बाद में मैंने लगाया है। कॉलर लगाते वक्त पिछली जो गले की कटिंग होती है वो मैं नहीं करती बिल्कुल भी, तो ऐसे ही स्ट्रेट ही रहने देती हूँ फ्रंट की कटिंग करके, फ्रंट के हिसाब से कटिंग करके, तो वो मैंने गले के ऊपर ही लगा ली। मुझे कॉलर बहुत अच्छा लगता है, मुझे नहीं पसंद है कॉलर के बिना कपड़े, तो मैं जब भी सिलाई करती हूँ अपने कपड़े खास तौर पे जब मैं सिलाई करती हूँ तो मैं कॉलर लगाती हूँ। इसके अलावा जी ये मैंने शॉल इसके साथ, पहले तो इसके साथ मैंने ये ट्राउज़र लिया है, नज़र नहीं आएगा शायद, नज़र आ जाए, ये ब्लैक कलर का ट्राउज़र है। ठीक है, इसके अलावा ये शॉल है, तो शॉल देखिए कितनी खूबसूरत, मुझे इतनी प्यारी लगी ना ये नेट की शॉल है जब मैंने ली ना, तो मुझे मैंने इस कलर, इसमें मैंने दो तीन कलर और भी ले ली, दो तीन डिज़ाइन भी ले लिए। ठीक है, ये देखिए कितनी प्यारी है ना। ठीक है, ये इसके इस तरह से ऐसे बने हुए जाल जैसे होते हैं, ये मुझे बहुत ही प्यारा लगा, बहुत प्यारा लगा। और साथ साथ में इसके ये भी, ये देखिए कितनी मेहनत होती है और कितना टाइम लगता है, और फिर ये भी नेट की लगी हुई है इसके ऊपर, है तो पहले खुद भी नेट की ही, तो इसके ऊपर जो डिज़ाइन बना हुआ वो भी नेट का है, और ये सारा यानी कि पूरे शॉल पर ऐसे ही बना हुआ है, चार दोनों तरफ यानी कि ये लगी हुई है और एक साइड ये दूसरी जो दोनों साइडें हैं इसके ये वाली लगी हुई है। तो आई होप कि आपको ये मेरा ड्रेस अच्छा लगा होगा। इसके साथ मैंने ब्लैक की हील पहनी है, इसके साथ है कॉम्बिनेशन जो मैं अगर मैं आपको बताऊँ ना, तो आप अगर ज्वेलरी पहनना चाहें या मेकअप करना चाहें तो आप रेड कलर की ज्वेलरी है वो पहने, रेड कलर की ज्वेलरी मैंने ये पहनी थी इसके साथ, बहुत खूबसूरत लगी थी। शायद कभी मेरे वीडियोज़ में आपको नज़र आ जाए, अगर नहीं आई तो मैं कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट वीडियो में या किसी वीडियो में मैं जो है ना मेरे रेड कलर के ड्रेस के मेकअप वगैरह और ज्वेलरी वो मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ। इसके साथ मेरे पास रेड कलर के शूज़ हैं, रेड कलर का बैग भी है। ठीक है, तो आप रेड कलर का बैग, रेड कलर के शूज और रेड कलर की ज्वेलरी, ये तीन चीजें जो है ये मस्ट आप पहनिएगा। अच्छा जी, तो जो रेड कलर की ज्वेलरी, इसके साथ साथ आप रेड कलर का मेकअप भी अप्लाई करेंगे तो वो भी बहुत ही खूबसूरत लगेगा। ठीक है, टू मच रेड मेकअप नहीं करना, सिर्फ आपने लिपस्टिक रेड कलर की लगानी है, ग्रीन ही मेकअप लगाना है। अगर आप मेकअप में थोड़ा सा टचेस करना चाहते हो ना अपनी आंखों के ऊपर, तो हल्का सा यहाँ पे मिडल में टच आप रेड कलर का दे सकते हो, लेकिन लिपस्टिक आपने रेड कलर की लगानी है, तो ये कॉम्बिनेशन जो का बहुत ही खूबसूरत लगेगा। ठीक है, आज की वीडियो के लिए आपको अंदाजा हो गया होगा कि आप ग्रीन एंड ब्लैक जो ड्रेस है उसके साथ आप रेड कलर का किस तरह से कॉम्बिनेशन बना सकते हैं और जो रेड कलर होगा वो कैसा लगेगा, आप ट्राई करके जरूर देखिएगा मेरे कहने पे, और फिर मुझे जरूर कॉमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा। तो आई होप कि आपको ये मेरा ड्रेस जो है वो ड्रेस अच्छा लगा होगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाजत दीजिएगा, बाय बाय।